हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की हमारी रेसिपी है तोरी के छिलके की सब्ज़ी। तोरी की सब्ज़ी तो आप लोगों ने बहुत बार खाई होगी, बट इसके छिलके की सब्ज़ी भी बहुत ही टेस्टी लगती है और ये बहुत ही हेल्दी होती है और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो अभी तोरी को मैंने छील कर इसके छिलके को मैंने इस तरह से सेपरेट कर लिया है और अभी हम इनको इस तरह से स्मॉल पीसेस में कट करेंगे। छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। तो अभी ये छिलके हमारे अच्छे से कट हो चुके हैं, तो अभी हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम 3 टेबलस्पून ऑयल को गर्म करेंगे। तो ऑयल अभी गर्म हो चुका है, इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून क्रश किया हुआ गार्लिक, 1/4 चम्मच को ऑयल में अच्छे से मिक्स करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे लो मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। साथ ही ऐड करेंगे 3 कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च को भी गार्लिक के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी गार्लिक देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को कुछ सेकेंड्स तक इस तरह से कुक करना है। और अभी इसमें ऐड करेंगे कटे हुए ये तोरी के छिलके, इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही ऐड करेंगे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। सॉल्ट ऐड करने से तोरी के छिलके हमारे बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे। सॉल्ट को अच्छे से मिक्स करेंगे। लिड को भी क्लोज करेंगे और 5 से 8 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे। बीच में लिड को ओपन करके इस तरह से हम चेक करते रहेंगे। बीच बीच में आपको सब्ज़ी को चलाना होगा। तो अभी देखिए सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। 5 से 7 मिनट हुए हैं, कलर भी कितना सुनहरा आया हुआ है। तो आप इस सब्ज़ी को रोटी या पराठे किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।